सरोकार। सुप्रभात, मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम गुरुजी की भविष्यवाणी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन अवगत कराते हैं आपके भविष्य फल के बारे में और गुरुजी करते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपकी हर शंका का समाधान। तो स्वागत करते हैं आचार्य तुषारा पाल जी का। तो सबसे पहले जानते हैं गुरुजी से आज की तिथि में क्या कुछ खास है। काली कल्याणकारी आप सभी में उपस्थित ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। मंगल की होरा में सूर्य देव उदय हुए हैं, अतः मंगलवार है। चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो पूर्वाहन 9:36 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 4:06 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा के 2 नक्षत्रों तथा 2 राशियों में रहने के कारण आज प्रत्येक राशि के लोगों के जीवन में परिवर्तन त्वरित होगा। तो हम जानेंगे सभी राशियों पर क्या है गुरु जी की भविष्यवाणी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। मानसिक रूप से थकावट महसूस करेंगे और मन अनमना सा रह सकता है। धन से जुड़े कार्य रुक सकते हैं और ऋण लेने की स्थिति बन सकती है। शिक्षा और प्रेम के क्षेत्रों में अपने से बड़े लोगों से विवाद हो सकता है। संतान से मतभेद होंगे लेकिन दिन के अंत तक दूर भी हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की निगाह में आप रहेंगे। व्यवसाय करने वालों को शासन से जुड़ी कोई समस्या सामने आ सकती है। साय होते होते किसी अच्छी खबर की सूचना प्राप्त हो सकती है। आज के दिन भूरा रंग अंक 3 तथा दक्षिण पश्चिम दिशा कष्ट देने वाले हो सकते हैं, इनसे बचें। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ साय 4 बजे के बाद करना लाभकारी होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल ले लें और ओम ह्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि वाले आज के दिन अत्यधिक उत्साह में रहेंगे, किंतु यह उत्साह आपको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व 2 बार विचार अवश्य कर लें। धन में वृद्धि होगी। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में किसी कारण से छोटी यात्रा के योग हैं। रात्रि में नींद बार बार टूट सकती है। आज के दिन लाल रंग अंक 2 तथा उत्तर पूर्व दिशा कष्ट देने वाले रहेंगे, इनसे बचने का प्रयास करें। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ यदि आज के दिन करना ही हो तो 11 बजे से 1 बजे के मध्य करना सफलता प्रदान करने वाला हो सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम यम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि वालों को आज अपने क्षेत्र में किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति या किसी गुरु के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धन से जुड़ी समस्याओं के हल आपको मिल जाएंगे। शिक्षा और दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे और आजीविका में आज के दिन कमी रहेगी। आज के दिन सफेद रंग अंक 1 और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी कार्य का आरंभ सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य करना अच्छा रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम लम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा।
कर्क राशि। कर्क राशि वालों के मन में आज कुछ अशांति रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन रहेगा। कार्य क्षेत्र में हुई घटना आपको मानसिक कष्ट दे सकती है, लेकिन आपके जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि मिलने के योग है। आज के दिन काला रंग अंक 7 और दक्षिण पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज दिन में 1 बजे से 3 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ यदि आज के दिन करना ही हो तो 11 बजे से दोपहर 12 के मध्य करना अच्छा रहेगा। आज के दिन को कैसे सफल बनाएं और सभी बाधाओं से बचने के लिए क्या करें, तो ये उपाय करिए। 1 गिलास में जल लीजिए, दाहिने हाथ में उस गिलास को पकड़िए और मंत्र जपिए, ओम रम ओम रम। इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाइए। दिन अच्छा बीतेगा, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आज के दिन अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, नहीं तो एक के बाद एक कई कार्य बिगड़ सकते हैं। आज अपने बाएं पैर का विशेष ध्यान रखें, चोट इत्यादि लग सकती है। किसी 5 मूलांक वाले व्यक्ति की सहायता से आज आपके किसी विशेष कार्य का शुभारंभ हो सकता है। आज के दिन पीला रंग अंक 6 और आग्नेय दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज साय 4 बजे से 6 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। किसी विशेष कार्य का आरंभ दिन के 1 बजे के आसपास करना अच्छा रहेगा। आज के दिन को कैसे सफल बनाएं और बाधाओं से बचें, उसके लिए दाहिने हाथ में 1 गिलास में जल लीजिए और ये मंत्र ओम नमः 11 बार पढ़कर उस मंत्र उस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए। दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा। किसी बहुप्रतीक्षित कार्य का आरंभ आज हो सकता है। पेट से जुड़े रोगों के प्रति सचेत रहें। आपके दैनिक रूटीन में कुछ बदलाव हो सकता है, इसके कारण आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे, ऐसा ग्रहों के योग कह रहे हैं। आज के दिन नीला रंग अंक 8 और पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः थोड़ी सावधानी रखें। आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और कोई भी कार्य अपना इस दौरान ना करें। विशेष कार्य का आरंभ सुबह 8 से 9 बजे के आसपास करना अच्छा रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में 1 गिलास में जल लेकर ओम बम इस मंत्र को 11 बार जपें और उस अभिमंत्रित जल को पी जाएं। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन अच्छा है और आप अपनी सूझबूझ से इसे और अच्छा बना सकेंगे। आज के दिन शेयर इत्यादि से आपको लाभ होने की संभावना है। धन का आगमन बने रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, किंतु अपनी कमर से जुड़ी समस्या को अनदेखा न करें। आज भारी वजन उठाने से बचें, चाहे वो नोटों के बोरे ही हों। आज के दिन नारंगी रंग अंक 9 और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज साय 5 बजे से 7 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ दिन के 2 बजे के आसपास करना अच्छा रहेगा। आज के दिन की बाधाओं को दूर करने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में 1 गिलास लें, उसमें जल लेकर ओम भाम इस मंत्र को 11 बार पढ़कर उस जल को ग्रहण करें। दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आज आपको अपने जरूरी कागजात इत्यादि को संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याएं और बढ़ सकती हैं। आज किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है जो आने वाले अच्छे समय की सूचना आपके पास ला सकता है। आज अपने बच्चों पर उनके खेल कूद के समय नजर रखें, अन्यथा उन्हें मामूली चोट इत्यादि लग सकती है। आज के दिन हरे रंग अंक 4 और ईशान दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें।
किसी विशेष कार्य का आरंभ आज आपको नहीं करना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए यह उपाय करें। दाहिने हाथ में एक गिलास लें, जल लेकर ओम धम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि वालों को आज दांपत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। साझेदारों से मनमुटाव भी हो सकता है। दोपहर बाद से मन में तरह तरह के निरर्थक विचार चलने लगेंगे, परंतु परेशान मत हो, ऐसा कुछ बुरा नहीं होने वाला जिसके लिए आप बार बार चिंता कर रहे हैं। आज के दिन नीला रंग, अंक 5 और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः विशेष सावधानी बरतें। आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य विशेष सावधानी का काल है। किसी विशेष कार्य का आरंभ आज के दिन आपके लिए करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लीजिए और उस जल को 11 बार ओम ऐं इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित करिए और उस जल को ग्रहण कर लीजिए। दिन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का यह दिन पूरे महीने की खुशियां देने वाला हो सकता है। आज कोई बहुत पुराना अटका हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा, जिससे धन और पद प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। अपनी आंखों से जुड़े रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। शेष पूरा दिन अच्छा है, कर्म करें, सफल होंगे। आज के दिन गुलाबी रंग, अंक 3 और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज प्रातः 7 बजे से 9 बजे के मध्य विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ दिन के 1 बजे के बाद करना अच्छा रहेगा। आज के दिन में अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए और दिन को सफल बनाने के लिए ये उपाय करिए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम क्लीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को ग्रहण कर जाएं। दिन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ तो नौकरी पेशा तथा व्यवसायी लोगों को आजीविका के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। महिलाओं को घर में कोई नई वस्तु आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो दूसरी ओर स्थान परिवर्तन का योग भी दिखाई दे रहा है, जो कुंभ राशि वालों के मन के अनुसार नहीं होगा। आज के दिन हरा रंग, अंक 9 और आग्नेय दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज साय 5 बजे से 6 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखने का काल है। किसी विशेष कार्य का आरंभ दिन के 10 बजे के बाद करना अच्छा रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और कोई भी कार्य में कोई बाधा ना आए, उसके लिए एक ये सरल सा उपाय करिए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लीजिए, 11 बार यह मंत्र पढ़िए ओम स्वाहा और इस जपे हुए जल को ग्रहण कर जाइए। दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि के लोग आज अत्यधिक वाचलता के शिकार हो सकते हैं, अर्थात अधिक बोलने के कारण अपना बनता काम बिगाड़ सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा की भी हानि कर सकते हैं। आज निरर्थक नगर भ्रमण आपका हो सकता है। सूर्यास्त के बाद सांस संबंधी कुछ समस्या भी हो सकती है। आज के दिन बैंगनी रंग, अंक 2 और उत्तर पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः इन क्षेत्रों में सावधानी बरतें। आज साय 6 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज के दिन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और दिन की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय करिए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम शम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को ग्रहण कर जाएं। दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज की विशेष बात में जानेंगे, यदि आपके घर में सदैव धन की कमी बनी रहती है तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए। बात जानेंगे गुरुजी से।
देखिए, यदि आपके घर में सदैव धन की कमी बनी रहती है, अत्यधिक मेहनत और परिश्रम के बाद भी समृद्धि नहीं हो रही है, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर परिवार तथा कार्य क्षेत्र की सभी महिलाओं, चाहे वो आपकी माता हो, पत्नी हो, पुत्री हो, बहन हो या घर के कार्यों में सहयोग देने वाली महिला हो अथवा आपके कार्य क्षेत्र में महिला सहयोगी हो, आपकी बॉस हो, इन सभी को पूर्ण सम्मान देना आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो भले थोड़ी देर लगे, किंतु यह मेरा वचन है कि जीवन में आपको कभी भी किसी भी कार्य के लिए धन की समस्या नहीं होगी। ध्यान रखें, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। किंतु एक बात और ध्यान दें, इसमें महिलाओं को ये ध्यान देना है कि सिर्फ पुरुषों को ही महिलाओं की सम्मान नहीं करना, आदर नहीं करना है, वरन महिलाओं को भी महिलाओं का सम्मान और आदर करना है। लक्ष्मी की कृपा तभी आएगी। तो घर में बैठी बहन बेटियां अपने पति को ये ना कहने लगे कि देखो हमारा सम्मान करना, उनका भी अपनी सास का, अपनी पुत्री का, अपनी ननद का सम्मान करते रहना है। आप सब ये उपाय करें, विशेष उपाय इसका करेंगे, आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। गुरु जी की भविष्यवाणी में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।